हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। एट क्लास का एग्जाम हो गया, आठवीं बोर्ड समाप्त हो गया। तो आपके मन में विचार आता होगा कि हमारा हिंदी में कितना नंबर आएगा, अंग्रेजी में कितना आएगा, गणित में कितना अंक आएगा, संस्कृत में कितना आएगा, सोशल साइंस में कितना आएगा, साइंस में कितना आएगा। तो आपको हमारे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है, परीक्षा में कितना नंबर आप ला रहे हैं। हम सभी प्रश्नों जो क्वेश्चन दिया गया है, जो एक क्वेश्चन आया था परीक्षा में, उसका हम हल करेंगे, सभी प्रश्नों का हल करेंगे। और आप उसे जांच लीजिएगा कि हमारा कितना कौन विषय में नंबर आया है। तो हमारे चैनल बने रहें, आइए देखिए कि आपका कितना नंबर आया। तो आइए आंसर चेक कीजिए। आप आंसर चेक करके बता सकते हैं कि अपना आपका जो स्कोर है कितना है। तो हम इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है 51 से लेकर 100 तक है, और 1 से 50 तक हिंदी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम पहले इंग्लिश का करते हैं। मेरे चैनल बने रहें। देखिए, हम पहले इसको स्टडी कर लिए हैं, समझ लिए हैं, टिक लगा लिए हैं, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं, कन्फर्म है कि जो आंसर बता रहे हैं वो सही है। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर हम चेक करना चाहेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है ना 51 का 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लायंस नायक कॉपेडवाज ऑफ खालिस्तान बनना है, तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा, मद्रास। तो इसका आंसर हम चेक करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए ये है ना, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में क्या है, ही वाज फाउंड डेज आफ्टर द डिजास्टर, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो 6 भराएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये इसको भी हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आपका पैसेज में दिया हुआ है, आप ढूंढ के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 54। हाउ मैनी सोल्जर डैड इन एक्सीडेंट, तो क्या कितने एक्सीडेंट हुए थे सोल्जर, 10। तो इसका भी आंसर आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे, देखिए 10, यहाँ देखिए यहाँ पर, यहाँ पे है। ठीक है, अब 55 देखिए, 55 में है कॉपर डैड ड्यू टू, देखिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 55 तक हो गया। अब नेक्स्ट है पैसेज है, उसको भी बढ़िया से पढ़िए, अब पढ़े होंगे जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन सीधे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग, देखिए ऑप्शन गलत है ना। तो यहाँ देखेंगे कि क्लेवर भी हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या लिखता है कि डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंस एनिमल्स, तो ये दोनों होना चाहिए, क्लेवर और इंटेलिजेंस। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिर्फ सिंगल सिंगल है, तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए, है ना। तो हो सकता है कि ये ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, दोनों दोनों ऑप्शन डालना चाहिए, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट एक्सप्लोसिव, तो आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, ये भी इसको ढूंढेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है 57, यहाँ देखिए देख रहे हैं ना, ये आंसर होगा। चलिए आइए नेक्स्ट 58। डॉग्स आर हेयरिंग पावर इज, यहाँ देखेंगे 5 times मोर देन हुमन, तो इसका आंसर देखेंगे 58। तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपका, यहाँ देखिए ठीक है मिल गया। तो इस तरह से पैसेज से ही पढ़कर आप आंसर दे सकते हैं, दिए होंगे, आप चेक कीजिएगा कितना नंबर मेरा आ रहा है, और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डॉग्स आर बॉर्न, देखिए डॉग्स आर बॉर्न विथ नो एच, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड, नन ऑफ दिस, यहाँ देखिए जन्म जब लेता है डॉग्स, तो बिना आँख का, बिना दांत का, बिना माइंड का। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ तो समझना है, यहाँ क्या कर रहा है, ऑप्शन यहाँ से ही मिलेगा। डॉग्स आर डीफ है ना, ब्लाइंड एंड टूथलेस वेन दे आर बॉर्न, यहाँ कहता है कि डॉग्स है जन्म लेता है उस समय वो डीफ होता है, ब्लाइंड होता है और टूथलेस होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर जो है सो आपका देखेंगे यहाँ पर ये संभव है ना, आई तो रहता है, आँख तो रहता है, माइंड भी रहता है। चलिए 59 हो गया, 60 फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनेबल टू हियर, तो आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा डीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे आइए, फिर शुरू हो गया आपका, इसमें है कि ये एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन को भरना है 2, तो 2 है तो क्या होना चाहिए, किनके पास एप्लीकेशन है, तो उसके अनुसार आपको चूज करना है। तो 61 देखिए यहाँ पर 61 है, तो 61 में क्या भराएगा, या देखिए ऑप्शन देखिए 61 का ऑप्शन है, तो द हेडमास्टर है, यहाँ भी द हेडमास्टर है ना, अब यहाँ भी द हेडमास्टर है, नन ऑफ देम, अब 3 में
से छाटिए कौन होगा, तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द हेड मास्टर। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल है, एच स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है, क्योंकि पद जो होता है वो कैपिटल में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए कि एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है, एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन किस से लिखा गया है, तो 62 में यहाँ देखेंगे, 62 में लीव छुट्टी के लिए है ना, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 62 का। और 63 का देखेंगे रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट किया जा रहा है 63 में, आप देखेंगे यहाँ पे 63 में यहाँ देखिए कॉलम में यहाँ पे 63 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और इस तरह से 63 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ देखेंगे 64, तो 64 में क्या है, ऑब लाइक्ड, 64 का दूसरा। 65 ऑबिडेंटली अप्लीकेशन में हम आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 65 में आपका आज्ञाकारी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑबिडेंटली। अब 65 कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 द क्या है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन, यहाँ देखिए कौन सा ये सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर लग गया और भरो में आईएनजी लग गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आइए 67 चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। 68 चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन सेंटेंस, मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर यह हो जाएगा मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट रिक्वेस्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को सम्मान करना चाहिए। 69 चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस, सेंटेंस जो है इसमें आर्टिकल चूज करना है, तो द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 70 क्वेश्चन देखिए, 70 द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ही सैड इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग ए बुक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इज, इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो जाएगा, ही सैड दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक। चलिए 71 आइए, चूज द ऑड ऑफ आउट, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड क्या है, अलग क्या है, तो यहाँ देखेंगे जैसे ट्री है फ्रूट है, ग्रास है ना, इसमें ऑड क्या लग रहा है, साल्ट लग रहा है, साल्ट नमक। नेक्स्ट आइए 72 चूज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें क्या है, विशेषण रिच है, बाकी वाक है, ये टहलना हो गया, वर्ब हुआ हरी, नॉन हुआ नाम हुआ रिवर नदी, ये भी नॉन हुआ, तो इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव रिच। 73 सी इज नॉट ए सिंगर इज एन एग्जाम्पल, सी इज नॉट ए सिंगर ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है तो कौन सा सेंटेंस का एग्जाम्पल है, तो सेंटेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नोट लग गया, नोट मतलब नेगेटिव सेंटेंस, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है लास्ट में, चाहे यहाँ देते हैं इस तरह से देते हैं, और इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क होता है। आइए 74 की ओर बढ़ते हैं, द पास्ट टेंस ऑफ रन, द पास्ट टेंस ऑफ रन, यहाँ देखिए रन रैन रन, रन रैन रन होता है, आंसर हो जाएगा तीसरा रैन, रिलेटिव प्रोनाउन ढूंढना है आपको, तो इसमें दैट लगेगा, दैट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनना है आपको, तो इसमें हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका 77 का आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया ये 78, तो 78 में क्या कहता है कि हु वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, हु वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो आंसर हो जाएगा परीक्षा, परीक्षा स्नेहा सिद्धार्थ ऑल ऑफ देम सब, तो यही हो जाएगा ऑप्शन। आगे आइए कालिस फेवरेट स्नेक वाज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 79 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा आपका लैंड ऑफ कंट्रोल ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्ड बाय इंडिया ऑन वन साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर, मतलब एक तरफ भारत है और एक तरफ पाकिस्तान है, तो बीच में जो कंट्रोल लैंड है वो क्या है, लैंड ऑफ कंट्रोल कहलाता है। चलिए आ गया ये 81 में है, हु वॉज लिविंग ए बेटर लाइफ देन द किंग, तो आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर 3। आ गया ये द इम्प्रेस मशीन वॉज ए गार्डन ऑफ
तो क्या हो जाएगा, मेटल एंड ज्वेल्स, मेटल एंड ज्वेल्स, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। हु इज मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन थी, बॉक्सर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज, तो आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर टू। 85 आइए, 85 है WCF, WCF वो किस रूप में होगा, तो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा वैंड चिल फैक्टर, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट है, गोपी चंद वाज द कोच ऑफ, गोपी चंद किनके कोच थे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, नन ऑफ देम, तो पीवी सिंधु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, देखिए 87 आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ। व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू एलिजियन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री, पॉलीथीन बैग। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ECO किस फॉर्म में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू, इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन। आगे आइए, 89 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10 रुपीस, नहीं 10 रुपीस नहीं होगा, 89 का आंसर हो जाएगा टू, ऑप्शन नंबर टू, 5 रुपीस। नेक्स्ट आइए, 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। 91, हु रोट द पोयम स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन ए स्नोवी इवनिंग, तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन द पोयम डेफोडिल्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। द पोएट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, क्वेश्चन नंबर 93, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर थ्री। 94 आइए, इन द पोयम डेफोडिल्स द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के जो सुंदरता है डेफोडिल्स में उनका डिस्क्राइब किया गया है। चलिए 95 है, नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, सुब्रमण्यम भारती, यस तो ये हो जाएगा आंसर, सुब्रमण्यम भारती। चलिए बहुत सुंदर, आगे आइए 96 है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए ओब्ली एन खालिस्तान पोएट, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहाँ के वे कवि हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन, अमेरिकन, नॉन ऑफ देज, तो अमेरिकन हो जाएगा। 97 देखिए, हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोयम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा टू हो जाएगा, लाइटिंग लैम्प्स। चलिए आगे आइए, लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन हो जाएगा आपका टू सही हो जाएगा। 99 है तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री। 100 हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं, तो 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए मिसाइल मैन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर नहीं, गोपी चंद नहीं, APJ अब्दुल कलाम, हाँ APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर थ्री। तो इस तरह से हम 51 से लेकर 100 तक के इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका हम उत्तर बनाए हैं, तो आप यहां से मिलान करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना सही हुआ, और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूं उसको भी देखिएगा, और हमारे चैनल पर क्लास 9 का मैथ पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप क्लास 9 का मैथ पढ़िए क्योंकि आप 8 क्लास से 9 क्लास में जाने वाले हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, थैंक यू वेरी मच।